आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज उर्दू कवायद और इंशा में हम पढ़ेंगे शेरी हैयतें, यानी शेर की कितनी शक्लें होती हैं। मुसम्मत, शेर की इस्तलाह में मुसम्मत ऐसी नज़्म को कहते हैं जो कई बंदों में लिखी गई है। एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 तक होती है। मुसम्मत के हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी पहला बंद अगर 5 मिसरों का है तो बाद के तमाम बंद भी 5-5 मिसरों के होंगे। मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं। मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं। मुसल्लस, जिसके हर बंद में 3-6 मिसरे होते हैं। मुरब्बा, जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। मुखम्मस, जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। मुसद्दस, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसब्बा, जिसके हर बंद में 7 मिसरे होते हैं। मुशम्मन, जिसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। मुतस्सा, जिसके हर बंद में 9 मिसरे होते हैं। मुस्तशिर, जिसके हर बंद में 10 मिसरे होते हैं। तरजीबन, तरतीब बंद और तरजीबंद में ज़्यादा फ़र्क है। तरतीब बंद में टैप का शेर हर बार बदलता है, जबकि तरजीबंद में टैप का शेर बदलता नहीं। हर बंद के आखिर में जू का तू ही दोहराया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि हर बंद के आखिर में सिर्फ एक मिसरा ही बार बार लाया जाता है। इसमें मिसालें बहुत कम हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारनामा एक मारूफ मिसाल है। अब इसके बाद है तरतीब बंद। हर एक बंद में आम तौर पर 5 से 11 तक अशार होते हैं। हर बंद में गज़ल की तरह मुस्तकिल काफिया होते हैं, लेकिन हर बंद काफिया दूसरे बंद से मुख्तलिफ होता है। पूरे तरतीब बंद का एक ही बहर में होना चाहिए। हर बंद के आखिर में टैप का शेर होता है, जिसका वजन तो बाकी नज़म से मुआफ़िक होता है लेकिन उसका काफिया। इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। इस टैप का शेर हर बंद के आखिरी शेर से मरबूत होता है। तरतीब बंद में हर बंद के शेर की तादाद घटती बढ़ती रहती है। तरतीब बंद के मिसाल हाल ही की नज़्म मरसिया गालिब, यह इकबाल की नज़्म मरसिया है, मस्जिद कुर्तुबा है। फ़र्द क्या है? एक शेर फ़र्द कहलाता है। बैत और फ़र्द में ये फ़र्क है। बैत हर शेर को कहा जाता है, जबकि फ़र्द वो शेर है जो अकेला ही कहा जाए। बास औक़ात में शेर सिर्फ़ एक शेर मौजू करके छोड़ देता है। ये शेर अकेला ही दीवान या कुलियत में शामिल हो जाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया हो सकते हैं और नहीं। बैत क्या है? एक बैत में 2 मिसरे होते हैं। उर्दू में बैत के लिए लफ्ज़ शेरिया इस्तेमाल किया है। हम रुबाई को 2 बैती भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 शेर होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर है शेर की हैयतों के अंदर। उम्मीद है कि आपको शेर की हैयतें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।